फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुटोर में। मैं हूँ चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मिठाई की रेसिपी। आज हम बनाएंगे जलेबी। नॉर्मल जलेबी तो आपने खाई होगी, पर आज की रेसिपी की खास बात यह है कि आज हम इंस्टेंट बनाएंगे, वो भी पनीर की जलेबी बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनती है। अभी दशहरा आ रहा है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये जो जलेबी बनती है एकदम जूसी और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिक्सर रेडी करना है। तो यहाँ पे मैं एक मिक्सर जार ले रही हूँ और यहाँ पे सॉफ्ट पनीर आता है जो मलाई वाला पनीर, वो लिया है। तो ये मैंने 200 ग्राम लिया है, इसके टुकड़े करके हम इसमें डाल देते हैं। आप फ्रेश पनीर या तो गाय का बनाया हुआ छेने में से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी ये जलेबी रेडी होती है। तो यहाँ पे मैं मलाई पनीर ले रही हूँ, आप इसकी जगह फ्रेश पनीर जो गाय के दूध से छेना तैयार किया जाता है इसी से बनाएंगे तो भी बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप घर पे ही छेना बना के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 20 ग्राम अरारूट ले रही हूँ और इसी के साथ इसमें मैं ले रही हूँ 50 ग्राम मैदा। इसमें हम डाल देंगे, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून पानी और इसी के साथ पानी में भिगोया हुआ केसर भी मैं डाल देती हूँ, जस्ट थोड़ा सा हम डालेंगे और इसे हम चर्न कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, थोड़ी हम चेक कर लेते हैं। तो इस टाइप का थोड़ा सा लूज टाइप का मिक्सर हमें चाहिए जो, तो इजीली हम जलेबी बना सके वैसा मिक्सर हमें चाहिए। तो ये परफेक्ट है, मिक्सर हमारा रेडी है। इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 400 ग्राम चीनी, तो इसी के साथ 200 ml जितना मैं पानी ले रही हूँ और यहाँ पर हमें गाढ़ी चाशनी रेडी करना है। यहाँ पर कोई तार की चाशनी नहीं करना है, बस चीनी अच्छे से घुल जाए और थोड़ा सा उबालेंगे तो ये चाशनी रेडी हो जाएगी। हनी जैसा टेक्सचर होना चाहिए, मीन्स हाथ में चिप के वैसा टेक्सचर हमें चाहिए। तो आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से घुल चुकी है। पानी में भिगोए हुआ केसर डालना है और जस्ट थोड़ा सा ही उबालेंगे तो ये चाशनी हमारी रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चाशनी हमारी रेडी है, गैस ऑफ कर लेते हैं और इसे हम साइड में रख देते हैं। तो दूसरी साइड में घी को गरम कर रही हूँ, शेलो फ्राई पैन लेना है और इसमें मैंने घी डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं एक पाइपिंग बैग ले रही हूँ जो इजीली मार्केट में मिल जाती है और यहाँ पे मैंने एक स्टार नोजल लिया है और पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया है और इसे मैं थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। तो इस टाइप का जो स्टार नोजल आता है वो लेना है और इसे हम ग्लास के ऊपर इस तरह से रख देंगे और पनीर वाला जो मिक्सर है हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे पनीर की जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले मैं हाथ गीला कर रही हूँ और ये जो मिक्सर है इसी से हम जलेबी बनाएंगे। तो खास ध्यान रखें, पनीर की जलेबी इस तरह से ही बनाया जाता है। तो इसे डायरेक्ट घी में इस तरह से रख देंगे, घी थोड़ा अच्छे से गर्म होना चाहिए और इसके बाद हमें जलेबी रखना है। एक पहले डाल के हम चेक कर लेंगे और इसके बाद ही हम बाकी की जलेबी डालेंगे। थोड़ी देर के लिए आपको बिल्कुल इसे हिलाना नहीं है, थोड़ी देर के बाद ही हमें हिलाना है। एक बार घी अच्छे से गर्म होने के बाद, जलेबी डालने के बाद फ्यू मिनट के बाद गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देना है ताकि जलेबी अंदर तक पक जाए। अब हम इसे पलट लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर हाथ में लेके करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी जलेबी रेडी कर लेना है। अगर घी थोड़ा कम गर्म होगा तो जलेबी खुल सकती है, तो आपको पहले घी अच्छे से गर्म करना है, इसके बाद जलेबी इसमें आपको डालना है। थोड़ी देर के बाद गैस की फ्लेम स्लो कर देना है और इसे इस तरह से दोनों साइड तलना है।
ये जो जलेबी है इससे तलने में थोड़ा टाइम जाता है, तो जल्दी ना करें। तो ये हमने जो पहले बनाई थी वो रेडी है, इसे हम डायरेक्ट चाशनी में रख देते हैं। ये जो चाशनी है वो थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, एकदम ठंडी नहीं होनी चाहिए, वो खास ध्यान रखें। इसे 1 से 1.5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे और इसके बाद हम निकालेंगे। जलेबी हमारी रेडी है, इसे प्लेट में निकाल देते हैं इस तरह से। तो जलेबी हमारी रेडी है, इसे सर्व कर लेते हैं। इसे हम पिस्ता और आलमंड फ्लेक्स से गार्निश करेंगे। सुपर डिलीशियस जूसी एंड टेस्टी पनीर जलेबी हमारी रेडी है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हमारी और एक चैनल है फूड क्यूट्योर बाय जूनियर शेफ, आप इसे भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।